हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IGCSM कंप्यूटर क्लास पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में बड़ा ही अच्छा टॉपिक अपन कवर करने जा रहे हैं, जो आपके पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक मैन, कंप्यूटर टीचर, सभी RSCIT, SSC, SSC, सभी के लिए वैलिड है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं कंटेंट निकाल के दूंगा और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप इसको रिकवर कर सको और मेंटेन कर सको, ताकि आपको इजीली समझ में आज के सारे पार्ट्स कि कंप्यूटर क्या है। आज के इस टॉपिक में, सेशन में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्तमान में आपके जो हाथ में कंप्यूटर है, या आप जिस कंप्यूटर को देख रहे हैं वो कौन सा प्रकार का कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को अपन कैसे, इसके संबंधित हमारे हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो सब कवर करेंगे। दोस्तों चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपन टाइप ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों वैसे तो कंप्यूटर के टाइप बहुत हैं, लेकिन हमारे अगर एजुकेशन लेवल पे देखें तो किस तरीके से हम किस कंप्यूटर को पढ़ेंगे। आपने देखा होगा, दिमाग में आता है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, मोबाइल, पीडीए, ये भी बहुत सारे प्रकार के कंप्यूटर है। सारी बातें ये क्लियर करेंगे और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो लिखेंगे। दोस्तों कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर 2 नंबर हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और 3 नंबर होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कॉपी ले ले, नोट कर ले, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर से संबंधित आपको मैं मोटा मोटी बातें बता देता हूं, जिसे आपके दिमाग में बैठ जाए। सिंपली अगर हम कहें एनालॉग कंप्यूटर, पुराने जमाने के कंप्यूटर, मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूं, हकीकत क्या है बताऊंगा। पुराने जमाने के कंप्यूटर, जिस तरीके से रेडियो एक सिग्नल बेस पे काम करने वाला कंप्यूटर था, या मशीनें जो रिसर्च के काम आती है, या हॉस्पिटल में जैसे ICU मशीन है आपकी, या हम कह सकते हैं कि BP चेक करने का मशीन है, या हम कह सकते हैं कि आपका ECG मशीन है। आपने देखा होगा ECG, यहाँ लगा करके हार्ट की बीमारी इसको, या हार्ट संबंधित कोई चीज़ें मशीनों को जांच करते हैं। तो इस तरीके के पुराने कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, को क्या नाम दे सकते हैं अपन, एनालॉग, जो सिग्नल बेस्ड होते हैं। क्या है, समझाऊंगा डिटेल से, चिंता मत करें। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, आधुनिक कंप्यूटर जो चल रहे हैं, डिजिटल कैलकुलेटर एक प्रकार से हो गया, एनालॉग मीटर होता है, सुई वाली घड़ी, ये सब ये हो गया, नंबरों वाली घड़ी, डिजिटल मीटर, कैलकुलेटर, ये सब इसमें आएंगे। और आधुनिक कंप्यूटर जो कौन से हैं, वो डिजिटल का प्रकार के हैं, आगे भी इसमें देखेंगे। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर दोनों के मिक्स गुण हो, या दोनों पे मिलकर के काम कर सकते हैं, वो कौन से हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे। डिटेल से बात करेंगे, और साइज के आधार पे भी आपने को बुक्स में पढ़ा होगा, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, ये सब कंप्यूटर ये भी पढ़ेंगे, कहाँ कैसे रिलेट करते हैं इसमें, सब चीजें पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल में काम करते हैं, में इनपुट लेते हैं, एनालॉग सिग्नल में इनपुट लेते हैं, तथा प्रोसेसिंग करने के बाद सिग्नल में रिजल्ट देते हैं। एनालॉग सिग्नल बोले तो सांकेतिक भाषा, इस तरीके सिग्नल में परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे रेडियो, वॉच, एनालॉग मीटर, बहुत से प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। क्या मतलब है एनालॉग कंप्यूटर की, सिग्नल बेस्ड होते हैं। रेडियो में आपने कुछ चीज आते हुए या कुछ चीज निकलते हुए दिखाई दी है क्या, देखिए क्या, जैसे मान लो रेडियो में क्या कुछ आ रहा है क्या, नहीं, सिग्नल ही आ रहे हैं और अपने को सिग्नल ही मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। BP चेक करने का मशीन होता है, उसके अंदर कुछ इनपुट नहीं जा रहा, वो सिग्नल को सेंस कर रहा है और अपने को सिग्नल में ही दे रहा है। आपने ICU मशीन देखी होगी, ICU मशीन, एक TV देखते हैं तब उसमें क्या होता है कि बाहर अंदर तो जाने नहीं देते, बंदा ICU में होता है तो उसमें क्या होता है कि बाहर अंदर क्या होता है कि बाहर अपने TV लगा होता है, उसमें देखते हैं
इस तरीके से, तो वो ऐसे टी 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 ऐसे करके सिग्नल चलता रहता है। और अगर वो स्लो धड़क रहा है तो स्लो दिखाई देगा, अगर तेज है तो तेज, और अगर सीधा चल गया तो राम नाम सत हो गया, मतलब वो गया। ये इस तरीके की मशीनें जो होती हैं रिसर्च या मतलब मेडिकल लाइन में यूज होने के लिए मोस्टली किसका काम में लेते हैं हम, एनालॉग कंप्यूटर को काम में लेते हैं, जो इस तरीके सिग्नल पे बेस्ड होती है। और इसके अलावा क्या हो सकती है, सिस्मोग्राफी मीटर हो सकता है, बाइक का मीटर हो सकता है जिसमें तोलता नहीं सिर्फ दबाव माप रहा है सिंपली। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। क्या खासियत होती है इनकी, विशेषता क्या है भाई, उदाहरण ये देख लिए, और भी बहुत सारे उदाहरण एनालॉग कंप्यूटर के। विशेषता क्या है, विशेषता ये है देखो, नंबर एक कि सिग्नल में काम करते हैं, नंबर दो इसमें इनपुट चेंज होने पर आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अगर आपका इनपुट चेंज हुआ तो आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज होगा। अगर आपका सिग्नल में सिग्नल स्लो आया तो इधर भी स्लो दिखाई देगा, अगर कुछ और हुआ तो इधर चेंज कर देगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब प्रश्न आएगा भी डीजल भी ऑटोमेटिक करता है, अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस है और फर्क कैसे है। इस प्रकार के कंप्यूटर हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं देते, नहीं देते। कैसे नहीं देते भाई, तो फिर यूज क्यों करते हैं इनका। परफेक्ट रिजल्ट का मतलब हमने आइडियाज बेस्ड है मान रखा है। जैसे मान लीजिए गांव में पुराने जमाने में क्या था कि एक सी पेड़ की परछाई यहां तक आ गई तो बूढ़ी जो घर में जो औरतें होती है या बूढ़ी मम्मी या दादी जो होते हैं वो कहते हैं कि इतने बज गए हैं, मकान की छांव यहां तक आ गई तो इतने बज गए हैं, उन्होंने भी तो आइडिया बना रखा था। ऐसे क्या है कि सुई वाली घड़ी है मान लो एनालॉग घड़ी, उसका पीछे वाला रेपर निकाल दें तो क्या पता लगेगा कहां तक गया कैसे गया, पता ही नहीं लगेगा। तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं भाई, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जो आइडिया बेस्ड होता है, जो हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं देते। अब देखो कैलकुलेटर होता है उसमें तो 7+7 करेंगे तो 14 ही होगा, ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, लेकिन इन्होंने मान रखा है। जैसे बीपी चेक करने वालों ने अपना अलग से पारा नहीं बता रहा कि इतने बज गए, ऐसा कुछ नहीं बता रहा, वो ऊपर जा रही है, सिर्फ उन्होंने नंबर बना रखे हैं कि अगर ये यहां तक चला गया पारा चढ़ के तो इसका मतलब इतनी बीपी है, और अगर वो यहां तक आया तो इसके मतलब इतनी बीपी है, ऐसे मान रखा है अपने, उन्होंने मान रखा है, कंप्यूटर का कोई लिंक नहीं है इसके अंदर। तो क्या विशेषता है, इस प्रकार के कंप्यूटर हॉस्पिटल रिसर्च में यूज होते हैं। कैसे पता लगा, हॉस्पिटल एंड रिसर्च है। देखिए यहां पे अपने रेडियो, एनालॉग वॉच, एनालॉग मीटर, सिस्मोग्राफी और बीपी चेक करने का मशीन मोस्टली अपने यूज कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल से संबंधित या रिसर्च करने से संबंधित अपने बात काम में ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, हॉस्पिटल और रिसर्च में बहुतायत से ज्यादा ही ये यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या खासियत होती है कि वो उसकी एक खासियत होती है कि वो एनालॉग कोई भी चीज को इनपुट लेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा और फिर वो रिजल्ट देगा। तो इसमें क्या लिखा कि एनालॉग सिग्नल में इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में एनालॉग सिग्नल में हमें रिजल्ट देता है, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। रेडियो सिग्नल में इनपुट लेगा, सिग्नल में देगा। एनालॉग वॉच संकेत पीछे से मूव हो रहा है, मैकेनिकल घड़ी है एक प्रकार की, जिस तरह सिग्नल मिल रहा है उसे दे रहे हैं। एनालॉग मीटर है, जिस तरीके का सिग्नल आ रहा है वैसे दे रहे हैं, उसमें कोई एग्जैक्ट डेटाबेस नहीं है। तो ये था आपका एनालॉग कंप्यूटर, बिल्कुल इजीली हम अपन बात करें तो ये सिंबल था और ये हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता। अधिकांश पेपर्स में इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपल सिग्नल बेस्ड कंप्यूटर पूछा जाता है, या पूछ लेते हैं कि सिस्मोग्राफी मशीन किस प्रकार का कंप्यूटर होगा, या पूछ लेगा कि आपका रेडियो हो गया या एनालॉग मीटर हो गया, एनालॉग वॉच हो गया, ये किस प्रकार के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे सिंपली एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे। दोस्तों क्या खासियत है डिजिटल कंप्यूटर में, इस प्रकार के कंप्यूटर जो डिजिटल फॉर्म में इनपुट लेते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या देते हैं, डिजिटल फॉर्म में ही आउटपुट देते हैं। डिजिटल फॉर्म बोले तो कौन सी है, 0 1 0 1 1 0, ये डिजिटल फॉर्म है, या हम कह सकते हैं समझाने के लिए ऐसा होता नहीं है तो यही है, जैसे हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी या कुछ 0 1 2 3,
इनको भी हम डिजिटल फॉर्म कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि जिसे हम देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब डिजिटल फॉर्म है। जो हम देखते हैं मूवी, पिक्चर, ऑडियो, टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो सब क्या है? डिजिटल फॉर्म है। और वो किस कंप्यूटर उसको क्या समझता है? 01 01 01 समझता है। सिग्नल को हम देख नहीं पाते, इसको देख पा रहे हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और बात करें आपको डिजिटल कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के कंप्यूटर हमें परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। नंबर दो बात है कि इनमें इनपुट चेंज होने पर आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, और यूज कहां होता है? ट्रेड में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, सब जगह आज वर्तमान में डिजिटल कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जितने भी मीटर मोस्टली यूज करते हैं वो एनालॉग में थे, वर्तमान जमाने के कंप्यूटर डिजिटल का कह सकते हैं। तो ये डिजिटल कंप्यूटर है, यूज करते हैं ट्रेड में, ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है भाई? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैलकुलेटर। क्या है? कैलकुलेटर, डिजिटल मीटर, डिजिटल वॉच आदि, और लेटेस्ट कंप्यूटर जितने भी हैं वो सब इस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों कैलकुलेटर में आप 7+7 करिएगा, 7+7 करिएगा, आप जब तक इक्वल नहीं प्रेस करेंगे, रिजल्ट तो वो देगा लेकिन जब तक इक्वल नहीं प्रेस करेंगे वो अपने आप उसको 14 नहीं कर देगा, या उसको नहीं पता कि आपने वो आपने कब इंस्ट्रक्शन दिलवाना है तभी वो करेगा। तो जब तक आप इक्वल नहीं प्रेस करते या जब तक मान कहेंगे नहीं इसको बता, तब तक वो नहीं करेगा। और डिजिटल फॉर्म में 7+7 यानी डिजिटल फॉर्म में ले रहा है, और 14 कन्वर्ट करके हमें डिजिटल फॉर्म में ही दे रहा है। डिजिटल मीटर, डिजिटल वॉच, नंबरों वाली घड़ी, ये सब जो है वो डिजिटल प्रकार के कंप्यूटर है। विशेषता है कि परफेक्ट रिजल्ट देता है, इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज ऑटोमेटिक नहीं होता, ट्रेड और ट्रेनिंग में इसका प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो है उसके भी आगे प्रकार है, या हम कह सकते हैं कि आकार के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया कंप्यूटर को, वो भी डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। कौन कौन से हैं तो देखिए, कौन सा है? नंबर एक, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर नंबर दो, पहला हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, दो नंबर हो गया मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। और ये आकार के आधार पर भी कंप्यूटर में बांटे गए हैं कि पहला ये इतने कि सबसे बड़ा आकार का, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर और बड़ा। ये इस हालांकि कई जगहों में ये ऊपर दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये किस प्रकार के कंप्यूटर है हमारे सामने, ये डिजिटल प्रकार के कंप्यूटर है। इसको डिजिटल कैटेगरी में रखा गया है। ध्यान रखना कि डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर आगे किस भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। और मोस्टली जो प्रश्न हमारे आते हैं पेपर में वो इस संबंधित चीजों के ज्यादा आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं कौन से डिजिटल कंप्यूटर के, कौन से कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में, क्या होता है, विशेषता, कैसे कैसे चलती है और क्या काम करता है। तो दोस्तों देखिए, डिजिटल कंप्यूटर का मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी रूम के, एक एक बड़े बड़े रूम के आकार के होते हैं। तो साइज क्या होता है इसका, आकार क्या होता है? लार्जेस्ट होता है, बहुत बड़े साइज का होता है। अब देखिए, जो लार्जेस्ट बंदा होगा या मोटा होगा, जो खाना कितना क्या खाएगा, ज्यादा खाएगा, तो लार्जेस्ट आकार का होता है। तो इसलिए क्या होगा, लाइट जो होती है ज्यादा खाएगा, लाइट ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, और लाइट जो ज्यादा खाएगा तो क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा।
तो ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं जो ज़्यादा खर्चा है, जो ज़्यादा नुकसान करता है, प्रॉब्लम ही है बड़े बड़े बंदों का रखना। तो दोस्तों ये क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सर्वर का प्रयोग करके इसका प्रयोग करती है, जो सुपर से सुपर से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता बहुत, वैसे तो बड़े होते हैं लेकिन सुपर से ज़्यादा थोड़ा कम कॉस्टली होता है, लेकिन आकार के दृष्टि से बहुत बड़ा होता है। और मोस्टली इसका काम क्या होता है, ताप दाब आदि मापने के लिए प्रयोग इसमें किया जाता है, ताप दाब आदि मापने के लिए किया जाता है, और बड़े बड़े बिजनेस के डेटा कैलकुलेशन करने के लिए और बड़ी बड़ी कंपनियों उसके अंदर इसका यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। कौन कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्तमान में प्रयोग में किया जा रहा है, तो देखिए फिजुटियस, हिटाची Z800, ये पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, ये पूछे जाते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, या कमरे के आकार का कंप्यूटर क्या कहलाता है। पेपर में सीधे सिंपल डाल देते हैं कि इस कंप्यूटर का आकार क्या है, ये कौन सा कंप्यूटर है, तो क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, लार्ज साइज होता है, लाइट ज्यादा खाता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सर्वर का काम करता है, डेटा कैलकुलेशन का, बहुत ज्यादा डेटा कैलकुलेशन का काम करते हैं, जो इस तरीके की चीजें हैं, तो उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि आकार बहुत बड़ा होता है इसका, फिजीटीएस और हिटाची Z800। फिजीटीएस जापान का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर भी है फिजीटीएस, ध्यान रखना। लेकिन ये बताऊंगा हिटाची Z800 ये किसका कंप्यूटर है, आपका किस कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। दो नंबर बात करते हैं, देखो इससे छोटा है, मिनी कंप्यूटर दोस्तों, इसकी डिटेल्स जो है मैं दूसरे वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, बता दूंगा। दो नंबर पर आ गया हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का मतलब समझे होगे, बस नाम सुना का, बस बहुत बड़ी जिसमें यात्रा करते हैं, उसे थोड़ी सी छोटी बस को क्या कहते हैं, मिनी बस कहते हैं। तो आकार की दृष्टि से मेन फ्रेम से थोड़ा छोटा था, लेकिन वही खासियत थी कि लाइट ज्यादा खा रहा था, प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो करता था, बड़ी कंपनियां उसको हायर नहीं कर सकती थी, तो बस छोटा थोड़ा इसको लॉन्च किया। जैसे मान लो बड़ा लैपटॉप है, एक बहुत बड़ा लैपटॉप है, एक थोड़ा छोटा और लैपटॉप आता है ना जिसमें न्यूमेरिक कीपैड नहीं होते, तो वो मिनी लैपटॉप हो गया एक प्रकार से, तो मिनी कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर आकार के दृष्टि से थोड़ा छोटा था, और ये भी क्या था, लाइट ज्यादा खाता था, प्रोसेसिंग ज्यादा खाता था, मेन फ्रेम जितना काम का नहीं था, लेकिन फिर भी उस कंपनी इसको यूज कर रही थी। मिनी कंप्यूटर K202 और SDS, ये दो इसके मुख्य उदाहरण है किसके, मिनी कंप्यूटर K202 और SDS, ये दो क्या है, मिनी कंप्यूटर के मुख्य उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी किसकी बात करते हैं, आपके मिनी कंप्यूटर के बाद हम बात करते हैं, इसमें वीडियो बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनता, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भी इसको कवर करूंगा, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को आप देख लेना कंप्यूटर के पार्ट टाइप टू में। तो देखिए दोस्तों नंबर दो हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर वो नेक्स्ट वीडियो पे अपन पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर क्या है और सुपर कंप्यूटर क्या है और आपका मेन फ्रेम क्या है और हाइब्रिड क्या है। धन्यवाद।